एक डायलॉग तो सुना ही होगा, चाहिए तो आलिया भट्ट। अच्छा तो देखिए, दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, मगर लोगों को एक्साइटमेंट तो बहुत है इसको देखने के लिए, और धक्का मुक्की भी बहुत कर रहे हैं सीट पर बैठने के लिए। ऑलराइट, ये तो सभी को मालूम है कि शाहरुख खान की मूवी देखने के बाद मन का शांति तो जरूर ही मिल जाता है, खासकर कितने लोगों को ये देखकर पूरा फटा हुआ है पूरा, खासकर कितने लोगों को शाहरुख खान का नाम ही सुनकर ये बातों को छोड़िए और चलिए सीधे मूवी का बातचीत करते हैं, क्या है इस मूवी की में खास बातें, क्योंकि इस फिल्म के बाद सिनेमा हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे भाई साहब। ये तो सभी को मालूम है कि जवान का जलवा बरकरार है। स्टोरी से पता चलता है कि जवान मूवी में देशभक्ति पे ज्यादातर गौर किया गया है। यहाँ पर एक डायलॉग है, 150 रुपया देगा, सॉरी, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मगर क्यों, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, जवान मूवी और पठान मूवी दोनों में एक ही बात अंतर है कि देशभक्ति पर ये मूवी बना है, खासकर दोनों फिल्में वैसे ही बनाए जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति पर हर एक लोगों को एक्साइटमेंट होता है देखने के लिए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर हो मजा से देखने को मिलता है। बट एक सेकेंड, ये बहुत ही लंबे समय के बाद मूवी तो लाते ही हैं, मगर जब लाते हैं लवड़े ने भोजन क्या बात है जी, मगर जब मूवी लाते हैं ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जवान ने सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिया है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड खत्म क्या बात है यहाँ पे तो इस आर के। तो चलिए थोड़ा जांच पड़ताल कर लेते हैं कि फैंस लोग क्या बोलते हैं। बग्गे बिल्ले यहाँ आंदा की करेंगी, ये भगवान क्या जुलूम है, क्या बोलती पब्लिक, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। एक आदमी ने पूरे सिस्टम ही सिस्टम खेल रहा है, जी। तो शाहरुख खान का जलवा कुछ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब 51 करोड़ का एडवांस बुकिंग भी कर लिया था पठान नहीं यार जवान, क्योंकि बार बार पठान ही याद आ रहा है। बट एक सेकेंड, क्या लगता है कि ये 500 आंकड़ा जल्दी छुपाएगा? मुझे तो लगता है कि पठान को भी पीछे छोड़ सकता है जवान। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय, और आप ये मूवी देखे कि नहीं, और सबसे इसमें डायलॉग आपको कौन सा अच्छा लगा जरूर ही बताना।